आचार्य जी, जो लोग पहली बार भगवान गणेश की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। भादव मास के चतुर्थी जो है गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा हर घर में धूमधाम से होना चाहिए, क्योंकि गणेश जी जो हैं वह विघ्नहर्ता हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार का विघ्न जो आता है, विघ्न को समाप्त करने वाले हमारे गणेश जी हैं। इसलिए हर सनातनी धर्म के, हर सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी सनातनी हैं, हर घर में गणेश जी की पूजा अवश्य होनी चाहिए। अब पूजा की विधि क्या है और किस प्रकार से हम पूजा करें? गणेश जी की मूर्ति को खरीदें, लेकिन मूर्ति खरीदते समय यह ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति का रंग जो है वह सफ़ेद या फिर सिंदूर कलर का, जक्सन सिंदूर जो होता है वो कलर का गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए। और गणेश जी की मूर्ति खाली नहीं होना चाहिए, खोखला नहीं, अंदर से जो खोखला होता है वैसी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। मूर्ति थोड़ा सा भारी, छोटा मूर्ति और भारी होना चाहिए। और ध्यान रहे कि गणेश जी का सूंड जो है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए। दाहिनी तरफ मुड़ी हुई जो होता है वह पूजा जो है वह तंत्र पूजा है, वह कठिन होता है। इसलिए बाईं तरफ झुकी हुई जो सूंड है वो होना चाहिए। और हाथ में लड्डू या मोदक निश्चित होना चाहिए। इसके बाद गणेश जी का वाहन जो मूसक है वह गणेश जी के पास में रहना चाहिए। बिना वाहन का गणेश जी का पूजा अशुभ माना जाता है, इसलिए चूहे के साथ, मूसक के साथ गणेश जी की मूर्ति को खरीदें और घर लाकर के सबसे पहले गंगा जल छिड़कें। गंगा जल छिड़कने के बाद उनका षोडशोपचार से पूजन करें। गणेश जी का यदि आप षोडशोपचार से पूजन कर लड्डू का भोग लगाते हैं, मोदक का भोग लगाते हैं, तो आपके घर में सुख और समृद्धि निश्चित रूप से होगी। और ध्यान रहे, गणेश जी की मूर्ति अपने घर के दक्षिण दिशा में न लगाएं। जब भी लगाएं तो उत्तर पूर्व, यदि मुख्य दरवाजा आपका उत्तर या पूर्व हो तो निश्चित आप दरवाजे पर लगा दें। किसी भी प्रकार का विघ्न आपके घर में नहीं हो सकता है, यह गणेश जी की कृपा है। और यदि हो सके तो गणेश जी के बीज मंत्र का जाप।